पे बन रहा है जो हम लोग का पालक पनीर। तो पालक पनीर के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पालक लिया, पालक को जो है वो बिल्कुल मीस वीस के जो है पूरा रेडी कर दिया। एंड उसके बगल में जो है वो टमाटर की चटनी है। सभी देखिए भाई, पनीर जो है वो फ्राई होने के बाद कितना टेस्टी दिख रहा है भाई, पर ऑलमोस्ट बन के इतना ज्यादा रेडी हो चुका है। तो अब पूरी को जो है धीरे धीरे से हम लोग तेल में डालना शुरू कर। भाई यहाँ पे चार पूरी जो है वो तेल में लग चुका है भाई, धीरे धीरे पूरी तो भाई ये ऑलमोस्ट हो भी चुका है। तो इस पूरी को भी निकालेंगे। आप सभी देख सकते हैं कि पालक पनीर जो है बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो है हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। भाई अभी जो है मेरे ब्लॉग की शुरुआत जो है 4 बजे से हो रही है गाइस। अभी जो है मैं दुकान पे जाऊंगा एंड फिर आप सबको सीधा पनीर देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद से पनीर पार्टी जो है वो शुरू हो जाएगी। पनीर कैसे बनेगा, कैसे नहीं बन रहा है, वो सब आप सबको देखने को मिलेगा। भाई रोटी जो है पूरी भी बनेगा, चाहे रोटी बनेगा जो भी बनेगा वो आप सबको देखने को मिलेगा। तो गाइस बिना देर के आज का जो ब्लॉग है उसको स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि भाई सब आज का ये ब्लॉग आप सभी पूरा देखना। भाई बीच में से ही कहीं के लोग छोड़ के भाग जाते हैं, आप छोड़ के मत भागिएगा। आप सभी पूरा देखिए कि हम जो है पनीर वो कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं। गाइस लेट्स स्टार्ट आवर न्यू ब्लॉग। भाई सब आज घर पे बन रहा है जो हम लोग का पालक पनीर। तो पालक पनीर के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पालक लिया, पालक को जो है वो बिल्कुल मीस वीस के जो है पूरा रेडी कर दिया। एंड उसके बगल में जो है वो टमाटर की चटनी है। और मसाला को तो भाई अभी अभी पीस कर रखा है, हम लोगों ने जस्ट यहीं पर बनना है। भाई यहाँ पे जो पनीर हम लोग बनाने वाले, वो गाइस पनीर जो है वो बिल्कुल देसी है। इसको हम लोगों ने अपने घर पर ही पनीर को निकाला। आप सभी देख के बताइए भाई कितना सुंदर लगा। यहाँ पे आटा वाटा जो है इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। एंड इसी से जो है हम लोग को पूरी वूरी बनाना है। भाई सभी जो पनीर को है फ्राई व्राई करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। गाइस यहाँ पे जो है पालक है और यहाँ पे जो है टमाटर है और हम लोग मसाला जो है अभी इसको जो है हम लोग फ्राई व्राई कर रहे हैं मसाले को। जो भाई अभी जो है मसाले में जो है हम लोगों ने टमाटर को डाल लिया। इसको जो अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। और भाई यहाँ पे टमाटर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो मिक्स हो चुका है। तो इसको और भी थोड़ा खाली काजल की गाइस यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आटा वाटा जो है इसको हम लोगों ने बिल्कुल रेडी कर लिया। उसी से जो अभी थोड़ी देर में पूरी हम लोग बनाई। अभी जो है हम लोगों ने मसाले में जो है उसको लहसुन भी डाल लिया और इसको भी जो है अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पालक है भाई वो कितना सुंदर दिख रहा है। आप सभी को कैसा दिख रहा है ये चैट सेक्शन में जरूर बताना। बिल्कुल हरा हरा दिख रहा है भाई। एंड भाई साहब अभी जो मसाला है वो भून उनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड जो थोड़ी देर में हम लोग इसको जो है इसके अंदर पालक को डालेंगे। तो भाई मसाले में जो अभी थोड़ी बहुत हमने हल्दी डाल ली एंड इसको जो है अभी हम लोग मिक्स कर देंगे। भाई आप सभी देखिए भाई पनीर जो है वो फ्राई होने के बाद कितना टेस्टी दिख रहा है भाई। मन तो कर रहा है भाई अभी यहाँ से एक लेकर खा ले भाई साहब, बहुत ही सुंदर। गाइस यहाँ पे मसाला जो वो लगभग रेडी हो चुका है, सिर्फ जो है इसमें हम लोग थोड़ा सा भी नमक डालेंगे और इसको जो अभी मिक्स कर ले रहे हैं हम लोग। मसाला जो अभी टोटली रेडी हो चुका है, बारी अभी हम लोग को पालक डालने के। तो पालक को जो है हम लोगों ने सिंपली से मसाले के अंदर जो है डाल लिया है और इसको भी जो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग पूरा का पूरा एकदम। गाइस अभी जो है बारी है पालक के अंदर पानी डालने के। तो पानी सबसे पहले पालक में हम लोग डाल लेते हैं। और भाई साहब अभी बारी पनीर के आ चुके। पनीर को तो भाई हम लोगों ने पालक के अंदर डाल लिया और थोड़ी देर में जो है ये पालक के अंदर बिल्कुल डूब जाएगा। यहाँ पे जो पनीर है वो पालक के अंदर बिल्कुल डूब भी चुका है, दिख तो रहा नहीं होगा, ऐसे उठाने पर ही जो है वो थोड़ा बहुत दिखेगा। और गाइस इतना तो पता है कि भाई साहब सब्जी बहुत टेस्टी है। गाइस यहाँ पर हम लोगों ने कान्हा जी के लिए जो है वो स्पेशल जो है हम लोगों ने बना रखा है पनीर जो है वो बिना लहसुन और प्याज के। तो आप सभी ने अब तक मेरे कान्हा जी वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, लिंक में मैं उसको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। आप सभी को पनीर जो है वो कैसा लग रहा है भाई ये जरूर बताना, मतलब कान्हा जी के लिए स्पेशल बना हुआ। गाइस कान्हा जी को भोग लगाने के लिए भी इसमें से जो है दूध में से हम लोग थोड़ा लेंगे और भोग लगा देंगे। और भाई साहब पूरी छानने के लिए हमने जो है यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया आग के ऊपर एंड इसके अंदर जो अभी हम लोग थोड़ी देर में तेल डालेंगे। एंड उसके बाद से पूरी को जो है वो अभी तो बेलना जब हम लोग शुरू करने वाले, तो आप सभी को बस थोड़ी देर में वो देखने को मिल रहा है कि कैसे बेल। भाई यहाँ पर अभी जो है वो आटे को लेकर के गोल गोल करना शुरू कर दिया है, उसके बाद से यहाँ पर जो है बेलना शुरू हो चुका है। गाइस
यहाँ पे जो हम लोग कढ़ाई में जो है वो तेल वेल बिल्कुल डाल दिए और तेल जो अभी धीरे धीरे से जो अभी गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद से जो हम लोग पूरी जो है इसके अंदर डाल लेंगे। गाइस पूरी जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट बन के इतना ज्यादा रेडी हो चुका है, तो पूरी को जो है धीरे धीरे से हम लोग तेल में डालना शुरू कर। यहाँ पे चार पूरी जो है वो तेल में लग चुका है भाई धीरे धीरे। पूरी तो भाई ये ऑलमोस्ट हो भी चुका है, तो इस पूरी को भी निकालेंगे एंड जो है चार पूरी और डालेंगे और उसको भी फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। भाई सब्जी जो है हम लोग का पालक पनीर वो भी आधा रेडी हो चुका है। देख रहे हैं भाई सब कैसे उबाल मार रहा है जितना भी जो पालक पनीर है वो भी। इसमें पानी डालने के बाद जो है वो धीरे धीरे उबलना जो है शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में सब्जी जो है वो हो भी जाएगा। गाइस अभी बारी है सब्जी को नीचे उतारने के लिए, क्योंकि सब्जी जो है वो हो चुका है। तो गाइस सब्जी को हम लोग यहाँ पे नीचे उतार लिया एंड आप सभी देख सकते हैं कि सब्जी जो है वो कैसा दिख रहा है। सब्जी बहुत गर्म है तो इसके अंदर से भाप भी जो है वो बहुत ज्यादा निकल रहा है। आप सबको दिख तो पानी रहेगा बट फिर भी मैं आप सबको दिखाने का ट्राई कर रहा हूं। पनीर तो आप सबको ऊपर से दिख ही नहीं रहा क्योंकि पनीर जो है वो बिल्कुल जो है पालक के अंदर जो है बिल्कुल नीचे डूब चुका है। तो आप सभी को तो मैं अभी थोड़ी देर में बस दिखाई रहा हूँ कि आप सभी देख सकते हैं कि पालक पनीर जो है बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो है यहाँ पे पनीर है और जो पालक भी आप सभी देखिए कितना टेस्टी है भाई। मुझको आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ रहा है, बिकॉज कैसे कुछ रीजन था जिसकी वजह से जो मैंने अपना पार्टी किया वो आप सबको नहीं दिखा पाया, लेकिन कैसे कैसे बना वो सब तो आप सबको दिखाई। तो गाइस आप सबको ये वीडियो कैसा लगे चैट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे और नए मजेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड भाई प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताना। खास वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।